यह आज नया मुकाबला सागा पहलवान से जावेद गनी के बीच बहुत ही खतरनाक तरीके से जावेद गनी पहलवान ने बचाया है अखाड़े में। और ये देखना किस तरीके से इनको टाइगर पहलवान को बना दिया चक्कर व्यू। जावेद गनी पहलवान जम्मू कश्मीर से जो बिलोंग करते हैं। और दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। और ये देखना कि सागा पहलवान ने कितनी बड़ी बदतमीजी की है, धोखे से इनको गिराया है, मगर इससे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर मर्द का बच्चा है तो सीने पे वार कर, क्योंकि ये जावेद गनी पहलवान का कहना। और ये देखना जावेद गनी पहलवान ने सागा पहलवान को किस तरीके से स्टंट मारा है, बहुत ही लाजवाब तरीके से इनको इनकी जवानी चक्कर काट गई। इतने धोबी पार्ट मारे हैं, इतने धोबी पार्ट मारे, बहुत ही ज़्यादा धोबी पार्ट। और ये देखना कि जावेद गनी पहलवान के अंदर वो काबिलियत है। अब देखना कि बाहर वाले जो पहलवान को उसको भी ठोंक दिया। दोस्तों बने रहें पूरी वीडियो एंड तक और चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करना भाई ना भूलें। छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहर बराबर होता है, लड़के देख पता चल जाएगा। यही है जावेद गनी पहलवान भी है तो जम्मू मैंने जनता से वादा किया था। और पहलवान को कल फोड़ के मैं पहलवान, मेरी बात खराब हो रही है, तो पहलवान ने जैसे तैसे टाइम निकाला और सीधा हवाई जहाज से बैठा है और दिल्ली आगरा दिल्ली से गाड़ी खरीदने को होटल। यही जावेद गनी ओरिजिनल लोकल, जब कोई भी जावेद गनी बताते यही है ओरिजिनल जावेद गनी। बंदर की तरह ठीक है, बंदर तेरे सर्कस नहीं हो रहा ठीक है, तू कला मार मार के दिखाना बार बार ठीक है। तो इनमें से किसी से राजा जगह कल से तेरे नाम। हेलो मुझे तो लग रहा पहलवान अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा पट्टी पे, अरे एक मिनट हो सका अभी पट्टी के अड्डे बना, थोड़ी देर पहले मुझे लगा ये पैरस में इतना करने का यार। हेलो एक सारी याद आ गई पहलवान कि पता नहीं कहां सुबह कब शाम हो जाए, एक फौजी का कब सीमा से पहलवान आ जाए। और जावेद गनी पहलवान का कहना है मैं तो ढूंढता हूं एलमे, ऐ मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए, ऐ मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। यही जावेद गनी है, लड़के देख ले। एक मिनट पहलवान बात सुन ले, आप कल से चिल्ला रहे हो जावेद गनी को बुलाओ, जावेद गनी को बुलाओ, जावेद गनी आ गया तो इससे कराओ उससे कराओ। हेलो इनसे लगे दिखा आराम से, क्या दिक्कत है, अब तुझे क्या परेशानी है भैया। क्या करना चाह रहे हैं यह बदन गठीला कद लंबा रंगोरा हवादार पहलवान सागा पहलवान उगनपुर धामी। और इधर है बदन गठीला कद छोटा अरे पैसे ले जाओ भाई, पैसे आप जीत गए, पैसे दो नहीं जीत गए बीच मैदान में मारा है ठीक है। बीच मैदान में मारा था बात तेरी माँ को जिसने सवाल पैदा करा, सारी जनता जान ले किस तरह तूने मारा, मैं मार लिया इसने बताओ जरा मार लिया। चलिए यहाँ बीच में जीत कर गया जावेद पहलवान जम्मू कश्मीर, उस
बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या बात है, दोनों पहलवान बड़े पहलवान है, एक तरफ सागा पहलवान है, दूसरी तरफ जावेद गनी पहलवान है, दोनों पहलवान बढ़िया पहलवान है, कुछ करे कर जाए, दोनों पहलवान अच्छे एक दूसरे को जीत करके दिखाए। रुस्तम उसी को कहते हैं, गलत काम नहीं पहलवान। अरे यार ये पहलवान बनेगा, नेस्ती नहीं करो बिल्कुल भी, दाव लाओ चोट करो, बिल्कुल गलत काम नहीं। 12 अंक से ऊपर हाथ जाना फोल है, यहाँ तक वक्त रहेगा, यहाँ पे हाथ लाना फोल है, यहाँ तक हाथ रखो, बाजू निकल जा, अरे कहीं ऐसी कहा है इसको नेस्ती करना, भाई किसी का बाजू उतर जा, किसी का मुंडा पीछे चलो थोड़ा पीछे चलो, चलो जिदारी करो हम पहलवानी है, चलिए तो तू देखो रहा बंदे से हाथ में, सुने जो तीन बार नेस्ती करेगा मैं उसको हाजी दे दूंगा, इस बात का ध्यान करें, कुश्ती लड़ दाऊ मारे, अपने उस्ताद के लिए पे ऑनर दिखाए, चलिए बहुत अच्छे। अरे तेरी दुश्मनी है क्या इससे कुछ, चलिए उठा ले मरगा क्या, तुम्हारे मेहमान है, सुनिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पहलवान अपना प्रदर्शन दिखाने आया है, आप डले मारोगे ये कल जाना मुंडी, यहाँ मुंडिया के पास दंगे वहाँ जाएंगे, कहेंगे कि वहाँ की जनता वहाँ के बच्चे ऐसे थे कि हमारे डले पत्थर मार रहे थे, बिना गाँव का नाम गंदा ना करो, बुरी बात है, ये आपके मेहमान है, मेहमान जो जो भी मामला हो रहा आप लोग यहाँ सब देख रहे हैं, और सुने सागा पहलवान सुने तुम्हारे पे एक शेरी याद आ गया, सुना तुम भाई राज जावेद गनी को सभी नाम दे जब बहुत बाग ले आ जाए तो क्या बात है, भाई पहलवान पे एक शेर याद आ गया, हुआ बे मोल दरिया जब जरा सबको चुकाती है, तकबर वो बुरी सहज जो फौरन डूबता है, पहलवान जी तकबर नहीं करना चाहिए, बुरी बात है, बैठिए अपनी जगह पे जाकर, कोई बात नहीं,
मैं मत्ती जाओ दे उसकी उस्ताद मत्ती जाओ दे उस्ताद की मार्च रही है।